अब हम बात करते हैं ढाल यानी कि स्लोप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैं पहले से बोल दे रहा हूं, यहां आपको पूरी चीजें बहुत ध्यान से समझनी होंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ढाल का मतलब, स्लोप का मतलब होता है रेखा की ढलान, वो भी कौन से अक्ष से, एक्स अक्ष से। कहने का मतलब अगर ये कोई कार्टेशियन प्लेन है और ऐसे कोई लाइन जा रही है तो इस रेखा का एक्स अक्ष से कितना झुकाव है, यही ढाल कहलाता है। थीटा जो होता है यही क्या कहलाता है, ढाल। और इसको प्रेजेंट किया जाता है एम से, और एम का मान टेन थीटा के बराबर माना जाता है। क्या माना जाता है, एम की वैल्यू किसके बराबर रखी जाती है, टेन थीटा के। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोले सर हो गई। अच्छा अब समझिएगा, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं कि एम बराबर टेन थीटा है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि स्लोप ऑफ व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, हमें जब दो निर्देशांक दो बिंदु दिए हो तो ढाल निकालने के लिए क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए एक 2.3 दिया हो, एक दिया हो -4.5। अब कह रहा है कि अगर इन बिंदुओं की ढाल निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है m बराबर y2 - y1 / x2 - x1। क्या बनता है, हाँ बेटा पढ़ाएंगे लेकिन पहले रिस्पॉन्स तो समझने दो। दो बिंदु से अगर किसी रेखा को जाना है तो उसका ढलान क्या होता है, m बराबर y2 - y1 / x2 - x1। अब बात समझिएगा, तो अगर मुझे यहां पर ढलान निकालनी है इन दोनों बिंदुओं की तो क्या मिलेगा, y2 - y1 यानी 5 में से 3 घटाएंगे 2, और नीचे x2 - x1 4 में से 2 को घटाएंगे तो -6, यानी कि ये ढलान है m की वैल्यू आ जाएगी -1.3। ठीक है, इन दो बिंदुओं के लिए। क्लियर है मेरी बात? बोले हाँ सर ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब एक चीज और को समझिए, अगला पॉइंट समझिए बहुत बेहतरीन। कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, मान लो कि एक ये लाइन आ गई और दूसरी लाइन हमने खींच दी ऐसे, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो जितनी ढलान एक्स अक्ष के साथ इसकी होगी यानी थीटा वन जितना होगा, उतनी ही ढलान एक्स अक्ष के साथ होगी इसकी यानी कि थीटा टू ये होगा। तो जब दोनों लाइन समांतर होती हैं तो दोनों की जो ढलान होती है यानी जिसको आप प्रवणता भी कहते हो, थीटा जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद रखेंगे इस चीज को। पैरेलल होने की स्थिति में m1 बराबर m2 होता है, यही क्या होती है, प्रवणता भी कहलाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस चीज की गहराई को अगर आदमी समझेगा तो चीजें सीख पाएगा, नहीं समझेगा तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। चलो अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। कह रहा है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो यानी कि लंबवत हो, तो मैंने कहा कि अगर ये एक्सिस है और दो लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, गौर से समझना। मान लो एक लाइन ये चली जाए और दूसरी लाइन इधर किसी पॉइंट से ऐसे आए और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए यहां पर, तो इसका ढलान जो होगा एक्स एच के साथ वो थीटा वन है और इसका ढलान जो होगा एक्स एच के साथ वो थीटा टू है। अभी मैंने आपको सबसे शुरुआत में रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब से समझाई थी चीजें, तो जो एक्स अक्ष पर यहां पर प्रतिबिंब बनेगा उसका नेगेटिव प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, यस और नो, क्या बनेगा, नेगेटिव प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। तो अगर यहां पर थीटा वन बन रहा है प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले तो नेगेटिव बनेगा क्योंकि यहां पर दोनों साइन प्लस के होते हैं, यहां माइनस प्लस होता है। इतनी बात को समझ में आई होगी? बोले हाँ सर समझ में आई। यहां पर नेगेटिव बनेगा और इसका उल्टा बन जाएगा यानी कि थीटा टू का रिवर्स, 1/θ2। तो इसीलिए जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इनकी जो प्रवणताएं होती हैं वो क्या होती हैं, आप ऐसे समझो कि m1 बराबर अगर मैं लिखूंगा तो -1/m2 लिखूंगा, क्या होता है, -1/m2। अब इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो कि m1 × m2 = -1 होता है, m1 × m2 = -1 होता है। यही बात यहां पर आपको समझाई गई है। मेरी बात समझ में आई, बात क्लियर है ना, स्पष्टता के साथ ये चीजें समझ पाए? बोले हाँ सर समझ गए। अच्छा एक चीज कभी कभी और पूछी जाती है कि जब दो रेखाएं बनती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है। अच्छा एक चीज इसमें पैरेलल लाइन में मैं बताना भूल गया, उसको भी समझ लो कि जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो इसमें x और y के जो गुणांक होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। कब, जब दो रेखाएं पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक, अच्छा तीसरी बात पर अब हम चलते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन पर। यहां से हटा दें इसको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं ठीक है,
और शेयर कर दीजिए भाई, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया उनसे निवेदन है कि क्लास को फटाक से शेयर कर दीजिए, जो लाइक नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है लाइक भी कर दो फटाक से, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट पर चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि एंगल बिटवीन, अगर टू लाइन निकालना है, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं, एक ऐसे आ गई, ये रेखा आ गई, और मैंने कहा एक रेखा कुछ यूं चली गई, और इनके बीच का कोण अगर मुझे ये निकालना है थीटा, ठीक। आपको देखना होगा इसका एक्स अक्ष से झुकाव क्या है, जिसको आप एम वन कह लेंगे, और इस रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव क्या है, जिसको आप एम टू कह लोगे, प्रवणताएं। फिर इसके बाद जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है टेन थीटा बराबर मॉड लगता है इसमें, मॉड का मतलब एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस आता भी है तो उसको प्लस करते हैं। क्या लिखोगे, एम वन माइनस एम टू या एम टू माइनस एम वन, दोनों एक ही बात है, अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। क्या लिखते हैं, वन प्लस एम वन इंटू एम टू। ये क्या होता है, दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का तरीका होता है, वहां पर मेंशन है। इसको भी लिख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, दोनों ही चीजें लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। मॉड इसलिए लगाया जाता है कि एंगल नेगेटिव नहीं होगा, तो अगर नेगेटिव आती भी है संख्या तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, ठीक है। दो रेखाएं हैं ये, और ये लंबवत है एक दूसरे के, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो ए का मान क्या होगा। अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती तो आपने अभी सीखा था कि m1 into m2 बराबर माइनस वन होता है, बोलो हाँ सीखा था, बोले हाँ सीखा था सर। इससे अगर मैं m1 निकालूंगा तो m1 इससे क्या निकलेगा, y बराबर mx plus c, अगर मैं रखता हूं y बराबर mx plus c, तो यहां से अगर मैं m निकालूंगा तो m मेरे पास, या m1 कह सकते हो कि ये चार आ जाएगा, आ जाएगा, बोले सर आ जाएगा। अब मैं अगर m2 की बात करता हूं, मैं यहां से m2 निकालूंगा तो y बराबर mx plus c में m2 का मान यहां पर क्या आ जाएगा, a plus 1, m2 क्या आ जाएगा, a plus 1, और इन दोनों का गुणनफल माइनस वन के बराबर है, तो 4 into a plus 1 की वैल्यू माइनस वन के बराबर अगर करते हैं तो 4a गुणे में 4 आ जाएगा, 4a plus 4 आ जाएगा और माइनस वन होगा, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बाई 4, क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बाई 4, बोलो ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, भोजपुरी सुपरस्टार राकेश मिश्रा जैसे दिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल का उत्तर समझ में आया, हम भोजपुरी स्टार जैसे लगते हैं, वो मेरे जैसे लगते हैं, एक अलग की बात है। ये आपके पेपर में आएगा, ना मैं आपके पेपर में आऊंगा ना राकेश मिश्रा जी आपके पेपर में आएंगे, समझ रहे हो दोस्त, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, बी, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। कोई आपके पेपर में नहीं आएगा, हम लोगों को अगर देखोगे, ये आपके पेपर में आएंगे। तो सेशन को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, सेशन को शेयर करो भाई, फटाफट से सेशन शेयर कर दो। आगे बढ़ता हूं, आगे का सवाल लेता हूं, ये है आपका अगला सवाल। अब कह रहा है कि अगर ये लाइनें समांतर हैं तो ए का मान क्या होगा। अभी आपने देखा कि परपेंडिकुलर थी, अब देख रहे हो कि समांतर है। समांतर की स्थिति में क्या होता है, समांतर की स्थिति में आपने देखा है, अभी पढ़ा है कि जो प्रवणता पहली होती है वो दूसरे के बराबर होती है, एम वन बराबर होता है एम टू के। तो यहां से अगर मैं एम वन निकालूंगा और एम टू निकालूंगा तो क्या आएगा, अगर देखो एम एक्स प्लस सी, तो x का गुणांक तो दो है, बोले हाँ सर है, लेकिन प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और y की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो m1 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन a प्लस 1। सबसे पहला m अगर निकालना है, देखो जैसे ये लिखा होता है y बराबर mx प्लस सी, रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, x का जो गुणांक होता है वही m होता है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, y सिंगल रखना होगा, x का गुणांक यहां पर दो है, सर्द है, y सिंगल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि y बराबर होता है mx plus c। इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, y सिंगल होना चाहिए इक्वल के इस तरफ, यहां पर तो है नहीं, तो x और इस वाले पद को उधर भेजेंगे तो ये माइनस टू आ जाएगा भाई। y का कोफिशियंट क्या है, y का गुणांक क्या है, a प्लस वन, इसलिए m1 जो अपने पास प्रवणता आ गई पहले वाले की, वो आ गई माइनस टू अपॉन a प्लस वन। इसी तरीके से अगर मैं यहां से m2 निकालता हूं, क्या निकालता हूं m2, तो y को एक किनारे पर होना पड़ेगा,
आपको अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेना है तो आप ले लीजिए, 5-15 तक खत्म कर देंगे। हाँ हो जाएगा, हाँ डैम श्योर हो जाएगा। तो हम अपना 5-15 लगवा ले रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद। तो यहां से अगर मैं Y2 M2 निकालूंगा तो क्या निकलेगा, देखिए X का गुणांक क्या है यहां पर 5 माइनस हो जाएगा, और Y का गुणांक जो है ना उससे डिवाइड कर देंगे, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, और बटे में अगर मैं देखूं तो यहां पर 3A-1, ये M2 आ गया। इन दोनों को बराबर करके स्थितियों को हमें सॉल्व कर देना है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं -2 upon a+1 और बराबर -5 upon 3a-1, तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6a-2 और इधर आ जाएगा 5a+5। आप देख रहे हैं 5a इधर आकर माइनस हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, और ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का मान हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7 7 7 7 7 7 7। आया सभी का 7, अरे वाह सबका आ गया पहले ही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम बनाते हैं इक्वेशन पर, किसी भी लाइन की यानी इक्वेशन क्या हो सकती है स्थितियों के अनुसार, अगर किसी रेखा का समीकरण निकालना हो, यहां पे भी लिखा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रेखा का समीकरण, तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है जब वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से निकलती हो, यानी कि एक बिंदु से होकर गुजरती हो, पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, और एक होता है जब वो पासिंग थ्रू अ टू पॉइंट्स होता है, दो बिंदुओं से होकर होता है, बाकी तीन से भी होके जा सकती है, चार से भी होके जा सकती है, लेकिन आपके में जो क्वेश्चन आएंगे वो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ सकता है या दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ सकता है। ठीक है, क्लास शेयर कर दो, थोड़ा सा पानी पी लें भाई। का हाल बा सर, अटल बिहारी मौर्या, मजा में बाटे, तुम बतावा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, उसके लिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है। और यदि आपसे पूछ लेता है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो आपको ये बिंदु याद रखना है। बात समझ पाए, बोले सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों एक ही चीज तो लिखी है, बस यहां पर m की जगह ये लिखा है। तो समझने की बात ये है मेरे भाई कि ये, अरे यार ये दोनों ही दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण लिखे हैं। केवल सिंगल बिंदु से पॉइंट से होकर जब कोई रेखा जाती है तो उसके लिए m का होना आवश्यक होता है। जब तक ये m स्लोप प्रवणता सवाल में ना दी हो, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि कोई भी रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है उसका समीकरण क्या हो सकता है। ठीक, इसको हम लोग सवालों से और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जुलाई लास्ट तक इसकी डेट घोषित कर दी जाएगी। चलो आओ पहले सवाल पर, देखो पहला सवाल वही आ गया जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि किसी भी एक बिंदु से होकर अगर कोई रेखा जाएगी तो उस सवाल में उसका प्रवणता दी होगी, बिना प्रवणता के वो सवाल नहीं हो सकता। आइए सवाल को देखते हैं। सीधी रेखा 2, -5 से होकर गुजरती है, उसका ढलान ये है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = mx + c, और यहां पर m की वैल्यू क्या दी है -3। अब ये किस पॉइंट से होकर जा रही है, 2, -5 से, यानी कि ये x है और ये y है, ये x है और क्या है y है, y की वैल्यू रखिए -5, m आपको दिया हुआ है -3, रखिए -3, x का मान देखिए क्या है, x का मान है 2, तो यहां से आपको c जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो आ जाएगी, -5 = -6 + c। अब ये उधर जाएगा तो c का मान आ जाएगा 1, बोलो ठीक है क्या, बोले हाँ सर आ गया। अब c का मान 1 आ गया, तो फिर से आपको याद रखना होगा कि रेखा का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = mx + c ही होता है, ये हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। y की जगह y रहने दीजिए, m का मान -3 दिया है, x की जगह x रहने दीजिए, और c आप निकाल के आए हो +1, क्या निकाल के आए हो +1, तो y + 3x - 1 = 0 हो जाएगा रेखा का समीकरण। देखिए कहां पर लिखा हुआ है, 3x + y - 1 = 0, पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई स्पष्टता से, फटाक से शेयर करना है भाई। आज जो बच्चे आज को कोऑर्डिनेट की क्लास को, इस क्लास को मिस कर देंगे ना भाई, मैं समझता हूं कि
उनका पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, केवल वो यूट्यूब पर खेल खेलने आ।